नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। निकाय इलेक्शन की चौसर बीत चुकी है। शय और मात के इस खेल के लिए पैतरों और चालबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। दोनों पार्टियां इस मैदान में उतारने के लिए अपने घोड़े और अपनी फौजें आज रात तक फाइनल भी कर देंगे। लेकिन क्या ये 129 नगर निकायों के चुनाव हैं वो राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार की सफलता असफलता या उनके काम का रेफरेंडम है, या फिर प्रदेश के अंदर नवनियुक्त हुए अशोक गहलोत के बाद में नियुक्त हुए पायलट साहब की सफलता और असफलता को तय करेगा। क्योंकि सचिन पायलट साहब के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वो इस आखिरी चुनाव को जिता पाते हैं या नहीं जिता पाते, और उससे बड़ी चुनौती वसुंधरा जी की सरकार के लिए है कि वो क्या इन 129 जो निकाय है उनमें अपनी पार्टी का परचम फैला पाते हैं क्या। अगर इन दोनों में से जो भी असफल हुआ, ये मान करके चलिएगा कि 2018 का चुनाव उसके लिए एक बड़ी कठिन चुनौती होने वाला है। तो आज न्यूज एंड व्यूज में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ खास पैनल है, हम उनसे चर्चा शुरू करें। उससे पहले देखते हैं ये न्यूज। पीसीसी चीफ सचिन पायलट के लिए ये निकाय इलेक्शन करो या मरो की लड़ाई से कम नहीं। सेंट्रल लीडरशिप ने यंग लीडर होने के नाते पायलट को पीसीसी की कमान सौंपी थी, लेकिन सचिन अब तक उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर सके हैं। अब पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर है, मैदान मारना है तो दोनों मोर्चों पर चुनौती से निपटना होगा। कार्य समिति में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पसंदीदा चेहरों को जगह देकर पायलट की टेंशन पहले से बढ़ गई है। ऐसे में निकाय चुनाव में पार्टी पिटती है तो सबसे बड़ा नुकसान सचिन पायलट को हो सकता है। बेहतरीन उत्साह लोगों के अंदर है, और क्योंकि लोगों को लगता है कांग्रेस जीत रही है, इसलिए टिकट मांगने वालों की लाइन बहुत लंबी है। फिर भी हम चाहते हैं कि आम राय से, कंसेंसस से हम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करें जिले लेवल पर, और हमारी पार्टी हर जगह अपने सिंबल पर पार्टियों को चुनाव, पार्टी उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाएगी, और न सिर्फ लड़ेंगे लेकिन चुनाव जीतेंगे भी। बीजेपी के सामने भी चुनौती कम नहीं। उपचुनाव में पार्टी पस्त हो चुकी है, इस दौरान राज्य सरकार कई मुद्दों पर घिरती दिखी। ऐसे में ये चुनाव सरकार का रेफरेंडम साबित हो सकते हैं। सत्ताधारी दल दावे और वादे तो करता रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर बदलाव नजर नहीं आ रहा। पब्लिक की परेशानियां दूर होती नहीं दिख रही। हम खुद ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जिस ढंग से राजस्थान के विकास का विजन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, वसुंधरा राजे जी ने जो ले रखा है, और जिस ढंग से राजस्थान की गति को तेज और तेज करने में लगे हुए हैं, वो जनता के सामने है। किस हालात में कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार में कर छोड़कर गए, किस हालात में कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार की किस हालात में छोड़कर गए, और आज उसको विकास की गति देना और विकास के चार चांद लगाना, इन दोनों कामों को लेकर जो हमारा विजन है विकास का, उसको लेकर हम इस यात्रा में चलते हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। देखना होगा कि जनता कितना भरोसा करती है वसुंधरा सरकार पर। तो सचिन पायलट भी अग्निपथ पर चल रहे हैं। अग्नि परीक्षा है कांग्रेस की। पार्टी को फिर तलाशनी है जमीन, मजबूत करनी है अपनी जड़ें। क्या फिर खड़ा होगा कांग्रेस का बरगद? क्या फिर फलेगी फूलेगी कांग्रेस, या बीजेपी फिर मारेगी मैदान? शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो साहब, ये 129 निकायों के चुनाव क्या वसुंधरा जी और परिणामी के लिए अग्नि परीक्षा है, या फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लिए? आइए इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान होंगे। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता सुमन शर्मा जी हैं, मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी से रामनारायण मीणा साहब हैं, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और मेरे साथ हैं ओम सैनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। मैं इस चर्चा की शुरुआत ओम सैनी जी से करना चाहूंगा। ओम जी, क्या इन 129 निकायों के चुनाव को पायलट और वसुंधरा दोनों के लिए क्या एक रेफरेंडम माना जा सकता है? क्या दोनों दलों की सफलता या असफलता का पैमाना इस चुनाव के परिणाम रहेंगे? देखिए, 37,12,000 लोग इनमें पार्टिसिपेट करेंगे, मतदान करेंगे, और वो निश्चित रूप से एक संकेत तो होगा कि सरकार का भविष्य क्या रहेगा, सरकार के बारे में लोगों की राय क्या है। लेकिन
कांग्रेस पार्टी का संगठन मुझे ऐसा नजर नहीं आता है कि जिससे निश्चित रूप से कहा जा सके कि कांग्रेस पार्टी इन एक तो निगम का चुनाव है, फिर नगर परिषद और नगर पालिका इनके साथ में है, उनमें क्या हाल है। और बरसात भी ठीक से हो गई है तो लोगों में उस तरीके की नाराजगी नहीं है, लेकिन महंगाई वाला सिलसिला और बेरोजगारी वाला सिलसिला आज भी लोगों को साल रहा है। और मुझे लगता है कि अभी जो चर्चा हुई है मुख्यमंत्री को लेकर के, वो भी इन चुनावों में निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी वो छालने की चेष्टा करेगी। और अगर उनके कुछ असर हुए तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी का जो दूसरी पारी चल रही है, पहली पारी में तो कांग्रेस पार्टी झटका खा गई निकाय चुनावों के अंदर, लेकिन इस दूसरी पारी में अगर अपनी साख बचा लेती है तो पायलट का भविष्य भी फिर उज्जवल है। अन्यथा पायलट का भविष्य और वसुंधरा जी की झंडबरदारी दोनों एक तरीके से टेस्ट में है और वो नतीजे बताएंगे जब 17 अगस्त को मतदान हो जाएगा, तभी हम कुछ कह सकेंगे कि इनका हाल क्या रहेगा। फिलहाल मुझे लगता नहीं है क्योंकि दोनों तरफ मीणा जी मुस्कुरा रहे हैं। रामनारायण जी, मीणा साहब मेरे साथ में हैं। हालांकि मीणा साहब आपके जमाने की कांग्रेस कुछ और हुआ करती थी, लेकिन नए दौर की जो कांग्रेस है क्या कुछ आशा देख रहे हैं उसमें, क्योंकि शहरी मतदाता है सब, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाता है यह इलाका। देखिए, मैं आपकी भावना की कदर करता हूं और शहरों में इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि बिजनेसमैन को साथ लेके चलने का रहा है। लेकिन आज देखिए, जयपुर जैसे शहर में 100 के करीब इन्होंने मंदिर तोड़ दिए, कहीं कहीं भी जो आज विकास के नाम पे चुनाव लड़ने की जो बात कर रहे हैं, इनके स्पोक्समैन बोल रहे हैं, एक गांव में एक सड़क का काम नहीं चल रहा। जो दवाई थी गरीबों को ही नहीं, हर आम आदमी को हॉस्पिटल में जाने वाले को मिल रही थी, उनको बंद कर दिया, गिनती की दवाएं मिल रही है। इसके यही नहीं है, पीने के पानी की समस्या जो अब तो ठीक हो जानी चाहिए थी वो नहीं है। आपके अमीन शाह नाला जो रोजाना द्रव्यवती नदी का नाम से लिया जाता है, उसके किनारे ट्यूबवेल खोद करके लोगों को बीमार करने की कोशिश की जा रही है। और फिर भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी को पैदाइश ही मिला है इस तरह से। आज जहाँ के मुख्यमंत्रियों के ऊपर करप्शन हो, आज हिमाचल का मामला आया और प्रधानमंत्री के ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कि वो कुछ गिनती के। अब साहब वीरभद्र सिंह जी के रहते हैं, अगर हिमाचल में भाजपा पे आरोप लगेंगे तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनेगी। चलिए मैं एक बार वापस ओम जी को जोड़ूंगा। ओम जी, जो बातों को लेकर के चुनाव लड़ने की कांग्रेस पार्टी बात कर रही है कि इसके दम पे चुनाव जीता जा सकता है क्या? नहीं नहीं, देखिए ये कुल मिला के जो भ्रष्टाचार वाला सिलसिला है, इसको क्या करके तो आप तुरंत जैसे जवाब मिल गया कि वीरभद्र सिंह जी का क्या हाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ कहेंगे तो वीरभद्र सिंह जी का सवाल सामने आ जाएगा। लेकिन जनता के लिए जो काम हुए हैं वो बात देखने की है कि इन नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में या निगम के अंदर क्या काम हुआ है। क्योंकि पिछले चुनावों के बाद में जिस तेजी के साथ में जो चुनाव हो चुके हैं वहां पर लोग असंतुष्ट हैं। आज भी ना जयपुर निगम को देख लीजिएगा, कोटा में देख लीजिएगा, और उदयपुर और ये सारी जगह है, जोधपुर का यही हाल है। सारा तंग निश्चित रूप से, मेरा ऐसा ख्याल है कि इसी तरीके से चीजों को सामने ला करके बात होनी चाहिए थी, लेकिन बात ये उसकी ना करके और फिर वसुंधरा जी ने क्या किया और इधर पायलट क्या करेंगे या उधर मोदी जी क्या करेंगे, उस तरह की बात नहीं। ये तो लोकल वो सारा सिलसिला है। लेकिन सर, दोनों की सफलता और असफलता का पैमाना तो ये चुनाव होने वाले हैं ना, क्योंकि आखिरी चुनाव है ओम जी, इसके बाद कोई चुनाव नहीं है, आखिरी चुनाव है सरकार के। 2018 तक संकेत तो मिलेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तो संकेत तो निश्चित रूप से मिलेगा कि सरकार की लोकप्रियता बरकरार है, ये सरकार अपनी लोकप्रियता खो रही है, ये संकेत तो इससे निश्चित रूप मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कुछ बड़ा बिल्कुल साफ हो जाए। और कुछ हाँ, कांटे की टक्कर कहा जा सकता है कि चूंकि सत्ताधारी दल है, लेकिन पिछले चुनाव परिणाम बताते हैं कि पहले चुनाव में अगर कांग्रेस जीती थी तो दूसरे चुनाव में हारी थी। ये मुझे लगता है कि कहीं ऐसा कैसा सिलसिला ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले चुनावों में तो बाजी मारी थी, लेकिन अभी वाले चुनावों में पराजय की स्थिति हो जाए तो लोग कह सकेंगे फिर इस बात को। ये तो एक ट्रेंड है जो लोग अभी भी। चलिए, मैं यही सवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता सुमन जी मेरे साथ में हैं, मैं सुमन शर्मा जी के साथ में यही सवाल करना चाहूंगा। सुमन जी, लगभग 37 लाख लोग वोट डालेंगे, 129 निकाय है, लगभग हर जिला कवर हो रहा है, क्या आपकी सरकार की सफलता और असफलता का पैमाना इन चुनाव को माना जा सकता है क्या? और उसी प्रकार से
सचिन पायलट की जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल है उसकी सफलता और असफलता का पैमाना भी ये निकाय चुनाव होंगे क्या, क्योंकि आने वाले टाइम में अब 2018 तक कोई चुनाव नहीं है, ये चुनाव है जो इसके परिणाम आपकी सफलता और असफलता को बताएंगे। पुरुषोत्तम जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा ये है वो, मैं सुनी उनकी बातें, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि चुनाव तो पैमाना होता ही है सरकार का, बैरोमीटर मानते हैं अपन लोग। जैसे ही विधानसभा का चुनाव ये लोग हारे और हम लोग सत्ता में आए, उसके बाद लोकसभा का चुनाव था, उस समय भी इन्होंने यही दाल ठोकी और यही भाषा थी इनकी कि जनता इनको बता देगी, ये गुमराह करके आ गए, जनता को धोखा देके आ गए। उसका ये रिजल्ट मिला कि हम 25-25 जीत गए। उसके बाद फिर इन्होंने ताल ठोका, एक चुनाव फिर आया जिसका हम लोगों ने सबने सामना किया, वो था जिला प्रमुख सरपंच से लेके प्रधानों का। उसमें भी हमने रिकॉर्ड, पहले ये कहते थे शहर की पार्टी है, उसने साबित कर दी कि हम तो गांव की भी पार्टी है, कि हमने मैक्सिमम प्रधान बनाए, हमने मैक्सिमम जिला प्रमुख बनाए, और अब फिर ये लास्ट और अंतिम चुनाव है। उपचुनाव भूल गई आप? नहीं, उपचुनाव की बात नहीं, अभी मैं कंटिन्यूटी में उसकी भी बात करूंगी मैं। उसके बाद ये चुनाव आ रहा है, फिर वही भाषा, और मैं तो ये कहती हूं कि सरकारों का पैमाना होता है, लेकिन 17 महीने के कार्यकाल पे ताल ताल ठोकना कि ये तो बर्बाद हो गए, ये लोग कुछ नहीं कर सकते राजस्थान को, आप मान रहे हैं कि सफलता है सफलता अच्छी तरह से सरकार की सफलता और असफलता से सीधी सीधी जुड़ी होगी। रामनारायण जी, आपसे भी यही सवाल, क्या सचिन पायलट राजस्थान की जनता समझदार है कि 17 महीने में राजस्थान की सरकार क्या दे सकती है? आप भी स्वीकार करेंगे ना, 17 महीने में ठीक हुए तो जय जयकार सचिन पायलट की, और अगर चुनाव में परिणाम ठीक नहीं आए जनता अच्छी तरह, क्या उसके लिए जिम्मेदार पायलट होंगे? फ्रस्ट्रेट हो रही है, कहीं को पूछा जा रहा है, प्यार और स्नेह दे रही है, परेशान हो रही है, परेशान। अरे आप लीडर हो, आप नहीं बनाया तो सुना जी ने नहीं बनाया, टिकट नहीं बनाया तो आप हमसे क्यों नाराज होती हो? जहाँ जा रहे हैं जूतम बाजार हो रहे हैं। मीना जी, सीधा सवाल है, क्या पायलट साहब संगठन पूरा सफलता से आप इस चुनाव को जोड़ेंगे या नहीं? लोग यहाँ कितना सिस्टमेटिक काम हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेट कौन है ये तो जनता देख रही है कि जहाँ कांग्रेस के लोग मीटिंग ले रहे हैं वहाँ जूते चप्पल चल रहे हैं। सुमन जी, जवाब दे दीजिए एक बार रामनारायण जी को, काम हो रहा है। अरे संस्कार, सुमन जी मीना जी को जवाब दे दीजिए, कमाल की स्थिति है। आप संस्कारित हो, किसी को बोलने का मौका दो, सारे समय को। मीना जी, क्या पायलट साहब का ये एक तरह से लिटमस टेस्ट है या नहीं? पुरुषोत्तम जी, माननीय पुरुषोत्तम जी, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, सचिन पायलट जब से आए हैं राजस्थान के कोने कोने में जाकर के उन्होंने एक माहौल बनाया है, और ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान जिस तरह की गरीबोन्मुखी योजनाओं को बंद किया, विकास के काम को ठप किया, उसका भी बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा। और जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लोकल स्तर पे छोड़ा गया है, बीजेपी की चीफ मिनिस्टर बैठी है, प्रदेश अध्यक्ष बैठा है, अपने ग्रुपेज को जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, इनके झगड़े आप सुनिए, सही वादा रखिए, आप वादा रखिए, वादा रखिए मैडम, आप नाराज होइए, आपकी सरकार से होइए, आपको पद नहीं दिया उन्होंने, नहीं दिया आपको, पार्टी तो कुछ मानती नहीं है, हमसे क्यों नाराज? नहीं, आपसे क्यों नाराज होंगे हम, लेकिन आप पार्टी के बारे में गलत बोलोगे तो जवाब करके हम हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे एकता है, तो आपको परेशानी हो रही है, यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं, परेशानी हो रही है। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, ये तो बोलो, ये चुनाव नोटिफिकेशन निकलवा दीजिए, दोनों दलों के जो नेता है उनके भविष्य और भाग्य का भी निर्णय करेंगे। बोलो ना, आप 2018 में किसके नेतृत्व में दोनों पार्टियां चुनाव में जाएगी, उसका निर्णय भी 129 सीटों जो निकाय चुनाव है उनके जरिए होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुद्दे क्या होने वाले हैं जिनके आधार पर तय होगा कि नेतृत्व सफल रहा या नहीं। पापा परेशान है, लोग रिश्ते ठुकरा रहे हैं सिर्फ मेरे दुबले शरीर के कारण। सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ने में मदद करे न्यूट्री गेन, मेडिकल्स में उपलब्ध। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स।
शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड टू RTU कोटा, एक ऐसा कॉलेज जहां पर आपको मिलेगी 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। अभी तक 1800 से ज्यादा विद्यार्थियों का प्लेसमेंट, 150 से ज्यादा कंपनियों से टाइप, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ, HD लैब्स, वाईफाई कैंपस, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सेशन, वर्ष पर्यंत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विश्वविद्यालय मेरिट्स और औद्योगिक भ्रमण। कॉल 9828390267 और 9414039303। हम टायर बनाते हैं ताकि रास्ते हंसते मुस्कुराते गुजरें, खुशियां छिपाए ना छिपे, सफर का हर पल बने यादगार, क्योंकि आपकी खुशी में है हमारी खुशी। हमें गर्व है कि हम हैं JD पावर कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टडी में नंबर 1। JK टायर, टोटल कंट्रोल। A friend recommended Bioil to me and I'm so glad she did. It's lessened the appearance of my scar and made my skin look great. I love it and recommend it to everyone. हमारी तरह आपसे भी सब इश्क करेंगे जब आपके पास होगी यूबीफे क्रीम। शिवरात में एक बार चेहरे पे लगाना और हमारी तरह चमकते रहना। यूबीफे क्रीम सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ बैंगिस्तान। तो साहब, अगर ये चुनाव इस सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अगर रेफरेंडम है तो फिर मुद्दे क्या? चलिए पैनल से जानने की कोशिश करते हैं। ओम जी, अगर इतने महत्वपूर्ण चुनाव है तो फिर किन मुद्दों पे जनता वोट डालेगी? क्या ये चुनाव सरकार की सफलता है सफलता के ऊपर इस आधार पर तय करेगी कि दवाइयां मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सरकार कैसे निर्णय कर रही है? यह चुनाव होगा सड़क नाली या लट्टू, जिसको कहते हैं कि पार्षद का जो काम है उस पर होगा? मैं समझता हूं कि निकाय चुनाव तो इन्हीं सब बातों पे होना चाहिए, लेकिन चूंकि चीजें अब राष्ट्रीय और प्रादेशिक उन पे होने लगी हैं तो उस पर बातें बहुत अलग किस्म की हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पे लोग पूछेंगे कि साहब हमारी बेरोजगारी का और महंगाई का कोई सिलसिला नहीं, आज भी प्याज जो है 50 रुपए किलो मिल रहा है शहर के अंदर, यही हाल टमाटर का है, सब्जियां महंगी हैं। साथ साथ में बेरोजगारी का सिलसिला भी देखते हैं, एक आदमी के लिए नौकरी निकलती है, 1000 लोग वहां पर पहुंचते हैं, ये सब पता है। उसके साथ साथ में जितनी नौकरियों के टेस्ट हो रहे हैं उनमें सब बेईमानियां हो रही हैं, पकड़े जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये भी पता है। तो ऐसी स्थिति में सुधरा कुछ भी नहीं है उस हिसाब से, और लोग फिर उसके बाद में वसुंधरा जी को लेकर जो चर्चा हो गई उसको ही लोग आधार बनाएंगे और उसकी बात भी करेंगे। तो ये सब बातें होनी चाहिए थी निकाय चुनाव को लेकर के, लेकिन सचमुच में ये जो 37 लाख लोगों के पास में पहुंचेंगे और ये सब चर्चाएं करेंगे जो इसके नतीजे आएंगे, क्योंकि निकाय पे तो सिर्फ टिका नहीं है बात, सफाई के सिलसिले पे नहीं टिका है, बिजली और पानी पे नहीं टिका है, सब कुछ पे, ये सारा राष्ट्रीय और प्रांतीय जो समस्याएं उनको लेकर के। चलिए दलों से जान लेते हैं, दोनों दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सोमन जी, क्या मुद्दे लेकर के जा रहे हो 129 जगहों पे? जी आपने बिल्कुल विकास का मुद्दा लेके जा रहे, सड़कें बंद, सैनी जी की बात को नगर निकाय में कर्मचारी नहीं, कहीं नहीं, वो भ्रष्टाचार, सड़क लाइट, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ, महंगाई। मीना जी आपसे भी जान लूंगा मैं, पहले बीजेपी के मुद्दे जान लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य मैं बता रही हूँ, पर दुर्भाग्य ये पुरुषोत्तम जी कि इनके राष्ट्रीय नेता यहाँ नेतृत्व देने आते हैं राजस्थान में तो पोछा वाली, झाड़ू वाली, चाय वाला ईसू छोड़ के जाते हैं, उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि सामयिक विषय पे हम चर्चा करने के लायक नहीं है, हमारे पास इशू है। इन्होंने रोजगार की बात बिल्कुल सैनी साहब ने कहा, सही कहा, 52,000 लोगों को हमने नौकरियां दी है और 1 लाख को और नौकरी मिलने वाली है, ये हमारा आधार है। हमने निकायों को मजबूत करने की कोशिश की है, जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने निकायों को कमजोर किया था, उनकी जो स्वायत्तता थी उसको खत्म किया था, वो हम उनको मजबूती दिया हमने, इस आधार से हम चुनाव लड़ेंगे। विकास तो हमारा मुद्दा ही है, जिस प्रकार का राजस्थान पटरी से उतरा था उसको पटरी पे लाने का काम हमने किया है, हम जिस प्रकार से रिसर्जेंट कर रहे हैं राजस्थान में, ये भी आधार हमारा होगा कि जब निवेशक आएंगे तो विकास होगा, ये सबको पता है। और 17 महीने में जो सरकार कर सकती है वो करके दिखाया है। अगर विद्यार्थियों की बात करें, युवाओं की बात करें, तो हमने विद्यालय सहायक बना के विद्यार्थी मित्रों को राहत दी है, वो भी आज खुश हैं। ऐसे करके हमने कई काम किया, हमारे पास मुद्दे हैं। मैं तो कांग्रेस को कहती हूँ कि आओ ना मुद्दों पे बात करो, सरकार अपना जो निर्णय है जिस प्रकार के जनहित की बात करती है उन मुद्दों को लेकर के जाएगी। विपक्ष के नाते आपके पास क्या है मीना जी? बिल्कुल जाएगी,
ऐसा कौन सा मुद्दा आप पिछले लगभग डेढ़ साल में राजस्थान में खड़ा कर पाए कि जनता आपके साथ खड़ी हो? सर आप धरने प्रदर्शन करते हो, आपके कार्यकारिणी के लोग तो पूरे पहुंचते नहीं है। आज नगर निकायों में सब जगह खाली है, ये को नौकरी नहीं दी। रिसर्जेंट राजस्थान की बात करने लग गई। रिसर्जेंट राजस्थान में क्या हुआ, एक एनआरआई ने काय का में लूट लिया राजस्थान में। इसलिए आप देखो करप्शन तो जितना बीजेपी की जनजात अधिकार है, सुनिए बात को, उस शासन आप सुनिए जब वो जिस नहीं वो नहीं है वो आज बोल रहा है, आज इसलिए बोल रहा है उस समय बुकिंग की थी, अब हम उसका समाधान करेंगे। देखिए अभी बोलने नहीं देते, ये इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो आप? गलत आप बोलते हो, आप गलत बोल रहे हो, यहाँ वोट बढ़ रहे हैं क्या? यहाँ वोट बढ़ रहे हैं क्या? गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। आपके नगर निकाय में कितना करप्शन है, कितने एसीडी के छापे पड़ रहे हैं, उसका एग्जाम्पल क्या हो रहा है? इसलिए मेरा तो ये कहना है ये नगर ये जो चुनाव हो रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और ये सही है कि इसका ये मैंडेट टाइप जनता लेगी। और जनता देख चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारित पार्टी कहती थी, उसके उसके नीचे जो इनका जो छुपा हुआ है बैर भाव छुपा हुआ है, केवल ईमानदारी की बात करके भ्रष्टाचार जो छुपा हुआ है, निश्चित तौर पे जनता इनको सबक सिखाएगी। परिवर्तन की लहर है और प्रधानमंत्री जिस तरह से बड़बोलापन कर रहे हैं, मैं सही कहता हूं आपसे, उनको सबक देगी और निश्चित तौर पे कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस एकजुट है, संगठित है। ओम जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रेफरेंडम है क्या? ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी को आएगी सारी बातें जो है सारी 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 ला रहे ना, ये चाय वाला ही ला रहे हैं, सारी बातें आएगी ला रहे हैं, ये ला ही रहे हैं ना। मैं समझता हूं कि दोनों नेता के पास स्थानीय मुद्दे हैं ही नहीं, मुझे लगता ही है कि ये क्षेत्र में जाते ही नहीं है। आपकी जो चिंता इनको तो गर्व हो रहा है, इनकी पार्टी की सरकारें बोले नहीं दे रहे किसी को। आपकी जो चिंता है वो चिंता इन चुनाव में मतदान के साथ में उभरेंगी जरूर, निश्चित रूप से उन पर लोग सोचेंगे और उन बातों की चर्चा भी करेंगे। लेकिन और ये लेकिन ये सही है कि होना नगरीय चुनाव उस तरीके से चाहिए था कि शहर की सफाई और सड़क और ये पानी और सब होता, लेकिन ये जो जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की लोग बात कर रहे हैं, उसे लगता ये है कि राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं जिन पर लोकसभा चर्चा कर रही है, जिन पर देश में चर्चा हो रही है, वो भी लोगों के जहन में आएंगे और वो भी एक संकेत देंगे और वो भी एक नतीजों को प्रभावित करने वाले होंगे। और मुझे लगता यह है कि सचमुच में आप जिस निगाह से देख रहे हैं, ये अपने आप में सरकार की, राजस्थान सरकार की लोकप्रियता और देश की सरकार की लोकप्रियता दोनों पर निश्चित रूप से ये एक निर्णय होगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस में सचिन पायलट का भी सचमुच में निर्णय होगा कि उन्होंने संगठन लेवल पे अपने आप को कितना बढ़ाया है, लोगों से कितना संपर्क किया है और लोगों पे उनकी कितनी पकड़ है, ये भी इसमें साबित हो जाएगा। रामनारायण जी, अभी तक के परिणाम तो सारे आपके खिलाफ गए जी, अगर ये भी खिलाफ रहा तो क्या पार्टी का नेतृत्व तो सचिन जी के हाथ ही रहने वाला है कि उसके ऊपर आप जैसे जो वरिष्ठ लोग है सवाल उठाना चालू करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस चुनाव में कांग्रेस निश्चित तौर पे विजय होगी, आधे से ज्यादा पे जाएगी और निश्चित तौर पे जीतेगी। नया नेतृत्व तो भर रहा है, ये प्रश्न ये नहीं है किसके हाथ में नेतृत्व का। हमारे यहाँ सब एक राय है, जो निर्णय हाईकमान करती है उसके साथ है हम, इसलिए वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जनता, आम जनता जिस तरह से त्रस्त है, जिस तरह से इनके निकाय में जो आप देखिए एक बहुत से तो इनकी सरकार है, करप्शन में जेल में बंद है, वो नैनवा हो कोई भी हो, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष है, सचिन पायलट के खिलाफ कोई वॉइस कांग्रेस नहीं है और प्रदेश गांधी को बोलना पड़ा बिरला ऑडिटोरियम में, ये क्या बोलना पड़ा? आप हमारी पार्टी की 30 सेकंड, आप हमारी पार्टी की क्या ये परिणाम आपकी पार्टी विचारवान हो या जवान हो, तो ये विचारवान चाहते हैं जवान? हम सोचेंगे जवान तो इनके पास में आ गए, लेकिन विचारवान नहीं आते। कांग्रेस में जवान ये विषय इसीलिए था तो उसके नतीजे क्या होंगे? क्या इतनी बड़ी तादाद में जब पूरे प्रदेश में अगर चुनाव हो रहे हों और उसके आने वाले परिणाम अगर दोनों पार्टियों के नेतृत्व और निर्णय की क्षमता के ऊपर अगर कोई असर नहीं डालें तो बेमानी से लगते हैं ये चुनाव। जनता सब जानती है और सब समझती है और उसी आधार पर निर्णय करती है। भले ही ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर ना लड़ा जाए, प्रदेश की बड़ी बड़ी बातों पर ना लड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों के साथ में मूड से जरूर लड़ा जाता है कि आखिरकार
जनता और वोटर का मूड क्या है। आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रायोजक मिसेस बेक्टर स्पूड, दावा सिर्फ एक कमाल का टेस्ट। अवनी रिसर्च हाइब्रिड अरंडी ही बोइए। सेफसॉल्ट वर्ल्ड क्लास ल्यूब्रिकेंट्स फ्रॉम सविता और टीवीएस फीनिक्स 125।